क्या आप किसी ऐसे घर की कल्पना कर सकते हैं जो हवा में टिका हो, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरे 11 फुट ऊपर। चौंक गए ना, लेकिन ये हकीकत है। इंजीनियरिंग का ये अनोखा चमत्कार हुआ है गुड़गांव में, जहां पूरा घर जैक की मदद से ऊपर उठा दिया गया। हवा में घर, आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, कोई हवा में घर कैसे बना सकता है? लेकिन हम आपको दिखाते हैं हवा में घर कैसे बन सकता है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में बने इस घर को ध्यान से देखिए। 500 गज में बनी ये 2.5 मंजिला आलिशान कोठी हवा में है। इस घर के हवा में होने के पीछे एक वजह है। लगभग 10 साल पुराना ये घर वक्त के साथ जमीन में धंसने लगा था। ऐसे में आसपास का पानी इस घर के अंदर भर जाया करता था। घर के तालाब बनने से परेशान मालिक ने इसके ऊपर उठाने की योजना बनाई। घर को ऊपर उठाने के लिए जैक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस तकनीक से 2.5 मंजिला घर को सुरक्षित तरीके से 11.25 फीट ऊपर उठा लिया गया। पानी भर जाता था बारिश का, इसलिए इसको उठवाना पड़ा। घर को 11.25 फुट लिफ्ट कराने के लिए लगभग 275 जैक का इस्तेमाल किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में 35 लोगों की लगभग 40 दिन की मेहनत लगी है। घर को लिफ्ट कराने वालों की माने तो ये अपने आप में देश का पहला और एक अनूठा तरीका है। इतना ही नहीं, जिस खूबसूरती से इस घर को ऊपर उठाया गया है, उसके चलते पूरे घर के किसी भी हिस्से में कोई दरार नहीं आई है। ऐसे में ये घर इस तकनीक के बाद भी उतना ही सुरक्षित है जितना पहले था। इसको हमें उठाने में 40 दिन लगे हैं और इसमें करीब 35 आदमी काम कर रहे थे और 275 जैकों की सहायता से हमने इसको उठाया है। इमारत को जैक तकनीक से ऊपर उठाने वाले राजेश चौहान देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं। इस तकनीक को उन्होंने बाकायदा पेटेंट कराया हुआ है। राजेश चौहान की ये तकनीक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अनिल मनचंदा, गुड़गांव, IBN 7। और हमारे साथ जैक तकनीक के माहिर इंजीनियर हरकेश चौहान मौजूद हैं, जो कि ईंट पत्थर से बने घर को भी हवा में उठाने का दम रखते हैं। हरकेश जी, आपका स्वागत है IBN 7 में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जब शुरुआत में जैक तकनीक को आपने महारत हासिल करी, आपको लगा कि घर जिसकी की पूरी एक नींव होती है और काफी बड़ा होता है, घर को इतना ऊपर उठा पाना, ये आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में? ये आइडिया मैडम ऐसे आया है कि जब मान लीजिए किसी चीज को ऊपर उठाना है, उठाने के लिए तो कोई ऐसी सॉलिड शक्ति चाहिए कि जो किसी भारी भरकम सामान को उठा सके। ऐसे उठाने वाली तो एक शक्ति केवल यही है कि जैक है, लेकिन भवन को उठाने के लिए हमने सोचा कि इसमें जैक लगा के इसको उठाया जाए। यदि गाड़ी में जैक लगाया जाए तो उसमें तो जैक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन भवन में जैक लगाया जाए तो इसमें जैक लगा करके इसको उठाने में कई समस्याएं आ रही थी उसके ऊपर। लेकिन हमने बड़े सावधान तरीके से, बड़े ढंग से इसमें जैक लगा करके इसको ऊपर उठाया कि इस ये भवन जब रोड से नीचा हो गया, ये इसके नीचे होने की जो समस्या थी, ये नीचा होने के कारण ये यूजलेस था, इसकी उस को दूर किया कि इसको इसमें जैक लगा के इसको अपनी पेटेंट तकनीक के द्वारा हमने इसको अपलिफ्ट किया है 11.25 फुट। जी बिल्कुल हरकेश जी, जैसा कि आप कंपेयर करें गाड़ी में जैक लगाने से और एक घर को जैक पे उठाने में दरार भी आ सकती थी घर में, आप ये बताइए कि कैसे किया आपने? कितना बड़ा एक देखा जाए तो एरिया होता है घर का, एक तरह से घर उठ रहा होगा जब आपने शुरू किया होगा इस काम को, किस तरह से किया आपने, कैसे आपने प्लान किया ये पूरी चीज? इसको मैडम जैसे कि हमने पूरी की पूरी बिल्डिंग को एक ही लेवल पे अपलिफ्ट करना होता है, ये नहीं कि पहले एक तरफ से उठाएंगे फिर दूसरी तरफ से, हमने पूरी बिल्डिंग को एक ही लेवल पे अपलिफ्ट करना होता है। और उसको अपलिफ्ट करने के लिए उसका लेवल मेंटेन रखना बहुत कंपल्सरी है। अब लेवल मेंटेन रखने के लिए प्लस उसमें कहीं पर कोई दरार आदि ना आए, इस करके इसमें मतलब ज्यादा जैकों की आवश्यकता होती है, नहीं तो इतने जैकों की आवश्यकता नहीं होती है कि भी इतना वेट उठाने के लिए इतने ज्यादा जैक लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसका लेवल मेंटेन रखने के लिए इतने ज्यादा जैक लगाने बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, काफी एक एक्सपर्टीज का ये काम है। हरकेश जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और हवा में 11 फुट ऊपर घर को उठा दिया हरकेश जी ने अपने हुनर से, इस बारे में हम और उनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गुड़गांव में एक इमारत को जमीन से 11 फुट ऊपर उठा दिया गया और ये कमाल किया गया है जाख तकनीक के जरिए और इसे अंजाम दिया है इंजीनियर हरकेश चौहान ने। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में हमसे बात करने के लिए। हरकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे काम में कितने लोगों की टीम आपके साथ जुटी हुई थी और करीब कितना वक्त लगा इस पूरे काम को अंजाम देने में? इस पूरे काम में 36 लोगों ने काम किया है और 40 दिन का टाइम लग गया इस पूरी बिल्डिंग को 11.5 फुट अपलिफ्ट करने में। जी हरकेश जी, और एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि जैसे ये पूरा घर है, आपने घर के कोनों को आपने पहले कवर किया होगा, वहां जाक लगाया होगा, क्या घर के बीच वाले एरिया में भी जाक लगाए गए हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। घर में जितनी भी दीवारें हैं हर दीवार के नीचे जाक लगाना जरूरी होता है। और बिल्डिंग की तो एक नींव भी होती होगी, कैसे उससे ऊपर उठाया गया? इसको डीपीसी लेवल से ऊपर उठाया जाता है, ना कि बिल्कुल उसकी नींव निकाली जाती है। नीचे वाली जो नींव होती है वो नीचे में रहेगी, नींव और डीपीसी लेवल के बीच में से कुछ नींव को खाली करके जैक लगाए जाते हैं, वहीं से इसको अपलिफ्ट करना शुरू किया जाता है। जी बिल्कुल हरकेश जी, यानी जो भी आपने किया है कारनामा ही किया है, देश में शायद पहली बार किसी ने ऐसा किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और हमसे तमाम बातें शेयर करने के लिए। तो हम आपको मिलवा रहे थे हरकेश चौहान से जो कि इंजीनियर है, उन्होंने गुड़गांव के एक घर को जमीन से 11 फुट ऊपर हवा में खड़ा कर दिया है। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।